शामली के गढ़ीपुख्ता थाना प्रांगण में ईद उल फितर को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शामली जनपद के गढ़ीपुख्ता थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त थाना प्रभारी करमवीर सिंह ने थाना गढ़ीपुख्ता का चार्ज संभालते ही शांति समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें आए व्यापारियों, मौलानाओं, ग्राम प्रधानों, कस्बे के चेयरमैन, सभासद और गणमान्य व्यक्तियों को कहा गया कि ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण भाईचारे के साथ मनाएं। सभी लोगों से अपील करें कि ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण और भाईचारे से मनाएं। उन्होंने कहा कि कस्बे के क्षेत्र के गाँव में कोई व्यक्ति अपराध न करे, वरना उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कस्बे व गाँव में जुआ सट्टा, अवैध शराब, अन्य अवैध कार्यों की सूचनाएं दें। कोई व्यापारी अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण न करे। यदि कोई व्यापारी मोटी रकम को कहीं बाहर लेकर जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस को सूचना दे, ताकि उसके साथ कोई अनहोनी न हो सके। इसी के साथ थाना प्रभारी ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने खाते की जानकारी किसी को ना दे, मोबाइल फोन पर प्रलोभन ना दे। मोबाइल फोन पर प्रलोभन देने के लिए फर्जी कॉल आने पर अपने खाते की डिटेल या कोई ओटीपी, आधार कार्ड की जानकारी ना दे। वहीं थाना अध्यक्ष ने सभी लोगों से अपनी अपनी समस्याएं व सुझाव पूछे, जिस पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि कस्बे में रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक पुलिस की ड्यूटी लगाकर कस्बे में गश्त करने की अपील की। मास्टर नरेश ने कहा कि स्कूल के समय एंटी रोमे के तहत पुलिस फोर्स की ड्यूटी बरकरार रखें। थाना अध्यक्ष ने मीटिंग में आए लोगों से कहा कि कोरोना संक्रमण की चौथी लहर तेजी के साथ बढ़ रही है, सभी अपने मास्क का प्रयोग करें और अधिक से अधिक टीकाकरण कराएं और लोगों को जागरूक करें।